ये है 10 फूड वेंडर्स जो लोगों को मामू बनाकर लाखों पैसा कमा रहे हैं। एक ने तो अपने बड़े बड़े पाव बेचकर कमा लिया करोड़ों रुपए। नंबर 10, बीटेक पानी पूरी वाली। ये इतनी मशहूर हो चुकी है कि अब तो इन्होंने अपनी पानी पूरी की फ्रेंचाइज भी बेचना शुरू कर दिया है, जिसकी कीमत 2 लाख तक है। हालांकि इनके स्टार्टअप में कुछ नया इनोवेशन नहीं है, साथ ही इनकी पानी पूरी सबसे ज्यादा महंगी भी है और अब तो ये डोसा सांभर बेचने भी निकल चुकी है। नंबर 9, डॉली की टपरी वाली चाय। लोग इनके अलग लुक और इनके चाय बनाने के सबसे अलग स्टाइल से काफी अट्रैक्ट हुए हैं। पूरे नागपुर में डॉली की चाय सबसे ज्यादा बिकती है और ये महीने में अच्छी खासी मोटी कमाई कर लेते हैं। और वही बिल गेट्स के साथ ये कई सेलिब्रिटीज को अपने हाथ की चाय पिला चुके हैं। नंबर 8, वड़ा पाव वाली दीदी। इनकी दुकान पर बड़ा पाव कम और ड्रामा ज्यादा मिलता है, साथ ही ये अपने बड़े पाव के साथ साथ अपनी स्ट्रगल स्टोरी भी सबको सुनाती रहती है। साथ ही इनका गुस्सा कितना भयंकर है ये तो इनके ग्राहक और ऑडियंस दोनों ही देख चुके हैं। नॉर्मल रेट से ज्यादा दामों में बड़ा पाव बेचकर इन दीदी ने खूब पैसे कमाए हैं। नंबर 7, जसप्रीत फूड कार्ट इन दिल्ली। इस छोटे से बच्चे पर घर की इतनी जिम्मेदारी आ गई है कि कम उम्र में ही ये फूड कार्ट खोल कर बैठ गया है। 10-year-old जसप्रीत स्कूल के साथ अपना ये काम चला रहा है और साथ में खूब सुर्खियां भी बटोर चुका है। नंबर 6, कुल्हड़ पिज्जा कपल। दोस्तों, जालंधर के कुल्हड़ वाला पिज्जा बनाने वाले ये कपल भी यूट्यूब पर काफी मशहूर हुए। इनके फूड कार्ट पर फूड ब्लॉगर की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया जब अचानक इनकी प्राइवेट वीडियो लीक हो गई, जिसके बाद कई लोगों ने इन्हें ट्रोल किया, लेकिन इनके सपोर्टर्स भी कम नहीं थे, जिस वजह से ये आज मशहूर इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। नंबर 5, फेमस छंगानी क्लब कचौरी ऑफ कोलकाता। इनकी कचौरी का भी हर कोई फैन था, लेकिन कुछ वक्त बाद इन्होंने एक फूड ब्लॉगर के साथ काफी रूडली बिहेव किया और इनकी वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इनके इसी एटीट्यूड और गुस्से को देखने के बाद इन्हें काफी ट्रॉल भी किया गया था। नंबर 4, गरीब दिहाटी के अनलिमिटेड वेल पाजी। ये 170 में अनलिमिटेड थाली ग्राहकों को बेचते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बातें सामने आई कि पाजी लोगों को भगा देते हैं, रोक टोक करते हैं और ठीक से बातें नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास ग्राहकों की भीड़ कम नहीं हुई। नंबर 3, इनके बाद नंबर आता है इन भैया के छोले कुलचों का, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बक बक यानी बातें करते हैं। ये अपने छोले कुलचों में अपनी चटपटी बातें मिलाकर लोगों को पेश करते हैं। नंबर 2, लखनऊ यूपीएससी एस्पिरेंट सुशी गर्ल। ये यूपीएससी एस्पिरेंट है, इन्हें पढ़ाई के साथ साथ कुकिंग का इतना शौक है कि इन्होंने अपनी फूड कार्ट स्टार्ट कर दी, जहां ये लखनऊ के लोगों को सुशी बनाकर खिलाती है। इनके पास सुशी की कई वैरायटी है, जिसे चखने के लिए इनके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और कई फूड ब्लॉगर्स भी इनके साथ व्लॉग बना चुके हैं। नंबर 1, MBA चाय वाला। चाय बेचते बेचते इनकी किस्मत भी ऐसी पलटी कि हर कोई इनकी कामयाबी को देखता रह गया। देश के कोने कोने में MBA चाय वाला की कई फ्रेंचाइज भी खोल दी कि तभी फ्रेंचाइज ओनर ही प्रफुल को स्कैमर बताने लगे। दरअसल MBA चाय वाला यानी प्रफुल अपनी फ्रेंचाइजी 30 से 35 लाख में बेच रहे थे, जबकि इन्होंने अपना खुद का ये काम सिर्फ 15,000 में शुरू किया था।